हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी ससुराल में। जैसे मैंने आपको एक वीडियो बना के, एक तो नहीं बहुत सारे वीडियो बनाए थे, पुणे में ही थी मैं जब, लेकिन बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। मुझे हो गए 7-8 दिन, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई मैं। और आज ना ही तो कोई चेहरे से रिलेटेड है, ना ही कोई बालों से रिलेटेड है, कोई ऐसी वीडियो नहीं है। सिर्फ मेरे मन की बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और आप बताइए, आप कैसे हो? और मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करना और आप लोगों को हर कुछ बताना, लेकिन वीडियो ही नहीं बन पाती मेरे से तो। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब हम पुणे गए थे तो वहाँ पे छुट्टियाँ पड़ गई हैं बच्चों की, तो यहाँ पे अभी नहीं पड़ी हैं क्योंकि यहाँ पे जून में पड़ती हैं छुट्टियाँ, वहाँ पे जल्दी पड़ जाती हैं। वैसे वहाँ का मौसम भी ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे गर्मी है ऐसी वहाँ पे गर्मी नहीं है, वहाँ का मौसम अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ मार्च मार्च में होता है होली के आसपास, ऐसा मौसम वहाँ हमेशा ही रहता है। धूप वगैरह तो खैर पड़ती है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है कि आदमी एकदम से घबरा जाए। ठीक है वहाँ पे मौसम कुल मिला के, और अच्छा है, पुणे सिटी अच्छी है और वहाँ पे अच्छा लगा हमको। लेकिन जब हम यहाँ से गए थे तो बाप रे, यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। क्योंकि कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा, तो एक तो जो मम्मी पापा थे यानी कि सास ससुर थे, उनको बच्चों को लेकर उनका ज्यादा मन टूट रहा था। पापा तो पूरी रात ऐसे ही रोते रहे कि बच्चे चले जाएंगे, मेरा बेटा मेरा बेटा। लेकिन हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था जाना, पर क्या करें, जब इनकी ड्यूटी उधर आ गई तो हमें जाना पड़ा। वैसे हम भी नहीं चाहते थे क्योंकि मैं तो शुरू से ही मम्मी पापा के साथ ही रही हूँ। जो छोटी वाली सिस्टर थी वो तो भाई साहब आर्मी में, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो तो साथ ही रही है, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई हूँ। वैसे इनकी जो जॉब थी वो आसपास ही रहती थी, यानी कि नोएडा या दिल्ली ऐसे आसपास ही रहती थी, हम भी नहीं जाना चाहते थे। तो मैं हमेशा इनके साथ रही हूँ, तो एकदम से कोई इंसान जाए घर से तो अच्छा नहीं लगता और दिल तो टूटता ही है। और खासकर जो मेरी सासू माँ है वो तो बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं, बात बात पे रोने लगती हैं। मुझे उन्हीं का ज्यादा दुख था क्योंकि सासू माँ भी बहुत रोई थी उस टाइम, उनकी आंखें भी बनी थी, तो हमको इस चीज का भी डर था कि आंखें बनी है तो जब आंखें बनती हैं तो आंसू वगैरह नहीं आने चाहिए। लेकिन सासू माँ बहुत रोई थी और मुझे भी अच्छा नहीं लगा था कि मैं इनको दुख दे के कहीं बाहर जाऊं। पर कहते हैं ना, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इंसान को ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है। और वैसे भी मैं तो अलग रहती थी, 3 महीने से भी रह रही थी मैं तो, क्योंकि उस टाइम में पुणे में ही थे। उसके बाद जब बच्चों के एग्जाम हो गए उसके बाद ही गए थे मैंने, जैसे आप एक वीडियो में आपको बताया था। फिर वहां तक का सफर कुछ दिन तो मेरा वहां पे मन नहीं लगा था क्योंकि एकदम से अपना घर छूटता है और अपने माँ बाप जैसे ही सास ससुर भी, मैं तो मायके भी बहुत कम जाती हूँ तो जैसे एक रात के लिए या फिर थोड़ी 2-3 घंटे के लिए, इतनी देर के लिए जाती हूँ मैं, ऐसे नहीं जाती कि 2 या 4 दिन के लिए। पर अब छुट्टियां पड़ रही हैं बच्चों की, तो मैं सोच रही हूँ कि फिर पता नहीं कब हो आना हो पाएगा, क्योंकि सर्दियों में तो ज्यादा दिन की छुट्टियां नहीं पड़ेंगी, 10 या 12 दिन की पड़ेंगी, और 2 दिन तो हमें वहां से आने में लग जाते हैं पुणे से, पूरा 2 दिन का टाइम लगता है। तो देखते हैं, अभी इनकी छुट्टियां नहीं पड़ी, हमारे साथ नहीं आए, मेरा भाई लेके आया था मुझे, तो इनकी छुट्टियां अगस्त में पड़ेंगी। क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई तो सोचा कि मम्मी पापा के साथ रह लेंगे बच्चे और उनका भी मन बढ़ जाएगा, और छोटी वाली सिस्टर है जो वो भी आ जाएगी, वो 22 तारीख को आ जाएगी। उस जो हमारे भाई साहब है वो आर्मी में है, तो उनकी जो यूनिट है, इनकी फौजियों की यूनिट होती है, वो हिसार जा रही है, तो वो उधर अपना सामान वगैरह शिफ्ट करके उसके बाद वो यहाँ पे आएगी। तो मैं सोच रही इतने में मायके हो आती हूँ और वहाँ पे भी मैं वीडियो बना के डालूंगी। और अब मैं सोच रही हूँ इस चैनल को चला ही लूँ। वैसे मैं थोड़ा झिझकती हूँ कि अपनी दिल की हर बात शेयर करूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करना। देखिए, एक तरीका तो होता है कि हम अपने दिल की बात किसी को बताते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्या सोचेगा सामने वाला हमारे बारे में, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब मेरी जो सोच है ना वो बिल्कुल बदल चुकी है, अब मतलब पहले जैसी नहीं रही है कि ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा। पहले पता है मैं क्या सोचती थी, मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, हम ऐसा कर रहे हैं, ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा। तो ये सोच सोच के
खुद ही इंसान परेशान रहता है, तो अब दुनियादारी को छोड़ दो और सिर्फ अपना जो हमारा जीवन है उस पे ध्यान दो और अपने परिवार पे ध्यान दो और एंजॉय करो फुल। क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा है, कितने दिन है, कितने दिन हम हैं, कितने दिन नहीं है। हैं तो आप लोगों से बातें कर रहे हैं, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। याद तो आएंगे हम आपको, जो चले जाएंगे इस दुनिया से तो याद तो इंसान आता ही है, और अच्छे लोग ही ज्यादा याद आते हैं। मुझे नहीं पता मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, जैसी भी हूँ मैं आपके सामने हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग इतना प्यार करते, इतना सपोर्ट करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालती रहूं। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा ये हम यूट्यूबर हैं, मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैं जितने भी हमारे जितने भी ये पे यूट्यूब पे चैनल है, ये क्या होता है कि अगर कोई वीडियो हमने डाली, अगर वो वीडियो नहीं चली ना, तो इंसान का जो मन है ना वो मतलब खत्म हो जाता है। फिर वो सोचता है कि नहीं डालूं, कुछ चलता तो है नहीं। तो एक तो वैसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कहते हैं कि हिम्मत हमेशा हौसला रखना चाहिए, और अपना कहते हैं ना कृष्ण भगवान कहते हैं गीता भागवत में कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। तो मैं भी सोचती हूँ कि अब मैं भी डेली वीडियो अपलोड किया करूंगी, जैसे भी मेरे पास टाइम होगा उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड किया करूंगी, क्योंकि पुराना चैनल है उस पर भी बनानी पड़ती है। और यहाँ पे आज बहुत अच्छा मौसम है, यानी कि आज गर्मी नहीं है। 2-4 दिन मुझे 7-8 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। तो मम्मी वैसे तो खूब साफ सफाई करती हैं, लेकिन मम्मी से ऐसे फ्रिज वगैरह साफ नहीं होते, जैसे अलमीरा वगैरह ये मम्मी से नहीं होते, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत खराब रहती है। पर मम्मी ने घर को और फ्लोर को तो एकदम साफ रखा था। मम्मी बोलती जब मन नहीं लगता था तो मैं तो 5-5 बार पोछा लगा देती थी दिन में। तो ऐसा ही होता है, पर मम्मी ने बहुत मिस किया हमको, और हमने भी बच्चों ने भी बहुत मिस किया। बच्चे तो अभी भी बोल रहे थे कि हमको तो अम्मा बाबा के पास ही रहना है, बच्चे अम्मा बाबा ही बोलते हैं उनको, जैसे पहले बोलते थे हम भी अपने जो हमारे दादा और दादी थी उनको हम भी अम्मा बाबा ही बोलते थे, और ऐसे ही हमारे बच्चे बोलते हैं बाबा जी और अम्मा जी। तो कह रहे थे हमको अम्मा बाबा के पास ही रहना, क्योंकि बच्चों का बहुत मन है यहाँ पे रहने का, लेकिन बच्चों का उधर एडमिशन हो चुका है। और सोचते हैं कुछ थोड़ा बच्चे बाहर निकलेंगे, देखेंगे थोड़ा बाहर का माहौल, क्योंकि गांव में तो गांव जैसे, और फिर हमारे बच्चे तो ऐसे हैं कि बाहर भी नहीं जाते यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गांव के बच्चे होते हैं किसी को ना ही तो ये जानते हैं और ना ही किसी को किसी के साथ खेलेंगे। अब वहां पे भी तो इन्होंने बहुत सारे अपने फ्रेंड बना लिए, बाहर जाते थे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जाते, सिर्फ घर में ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर घर में ही रहते हैं, कहीं पे भी नहीं जाते। जैसे गांव के बच्चे इधर उधर को घूमते हैं लेकिन ये नहीं जाते। इस चीज से मैं बहुत परेशान थी इनकी, ताकि ये कहीं पे भी नहीं जाते, लेकिन वहां पे ये, क्योंकि बच्चों को जितनी पढ़ाई करनी चाहिए उतना ही खेलना चाहिए, जिससे बच्चों का जो दिमाग है वो बढ़ता है। लेकिन पर वहां पे ये खूब अच्छे से खेलते हैं, इनका इनका मन भी लग गया था, ऐसी बात नहीं है। स्विमिंग वगैरह ज्वाइन करा दी थी हमने इनकी, तो वंशु को तो आ भी गई है स्विमिंग करनी, देव को भी आ गई, लेकिन देव अभी ट्यूब से ही करता है, लेकिन सीख जाएगा। देव भी स्केटिंग वगैरह का भी हमने करा दिया था इनका, लेकिन स्केटिंग की मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन जल्दी मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी आती है, तो मैंने सोचा जब पूरा सीख जाएंगे उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगी। और आप लोगों से बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं वहाँ पे मायके में जाके भी एक और वीडियो बनाऊं और आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करूं। तो अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ मैं एक टॉपिक पे बात करूंगी स्किन से रिलेटेड, क्योंकि संतोष जी ने मुझे बताया था कि उनकी जो स्किन है उस पर दाने और मुहासे बहुत होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन ट्यूब के बारे में जानकारी हासिल की है, क्योंकि मुझे भी हो जाती है इस एलर्जी वगैरह, दाने वगैरह, क्योंकि मेरी स्किन पे भी बहुत एलर्जी की शिकायत है। वो तो मैं देसी नुस्खों से इसको कंट्रोल में करके रखती हूँ, मैं करती रहती हूँ कुछ। वैसे तो मैं केमिकल वगैरह तो कुछ कराती नहीं हूँ, जैसे फेसियल वगैरह ऐसा तो मैं कुछ कराती नहीं हूँ, लेकिन जो ये देसी नुस्खे होते हैं इन्हीं से मैं इसको दबा के रखती हूँ, जिससे कि ये दाने मोटे ना, मुहासे तो नहीं होते वैसे मुझे। और उस ट्यूब के बारे में, वो ट्यूब भी और साबुन भी उसके साथ, तो मैं बताऊंगी आपको अगली वीडियो में। जब तक वेट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छी लगी है ज्यादा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अपना ख्याल रखिए, ओके बाय।